हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम है हैप्पी औजला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं कर रहा हूँ 2019 का पहला Q&A। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इंस्टाग्राम पे भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं, तो उन सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ मिक्स। जो भी आपने यहाँ पे मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, चाहे यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर, सारे ही क्वेश्चंस के मैं दूंगा यहाँ पे आंसर। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो आप थंबनेल देख के आए हो रियल वाला, तो ये जो आप इंटरनेट पे पिक्चर्स देख रहे हो आईफोन्स की, ये रियल हैं, ये कोई भी फेक नहीं है। तो अभी जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर आईफोन्स देख रहे हो, ये है आने वाले आईफोन्स, अपकमिंग जो आईफोन्स है 2019 सितंबर में जो लॉन्च होंगे। तो ये वो दो डिजाइन है जो एप्पल अभी टेस्ट कर रहा है अपने आने वाले आईफोन्स के लिए। ये आईफोन 11 है और जो सबसे महंगा आईफोन होगा, जो 10s मैक्स को रिप्लेस करेगा, वहां पे आपको दिखेगा तीन कैमरा वाला लेंस सेटअप। जो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आईफोन दिख रहा है, जहाँ पे स्क्वायर वाला डिजाइन है, यहाँ पे आपको तीन कैमरा लेंस दिख रहे हैं और उसके ऊपर एक दिख रही होगी फ्लैश। और अगर मैं राइट साइड पे बात करूं, तो यहाँ पे जो तीसरा कैमरा है, वो इन्होंने नया सा डिजाइन बनाया, फ्लैश के अंदर ले लिया है तीसरे कैमरा को। ऑनेस्टली मुझे तो ये वाले डिजाइन पसंद नहीं है, दोनों ही डिजाइन मुझे कबाड़ लग रहे हैं। अगर अब मैं दूसरे आईफोन की बात करूं, क्योंकि इस साल इन्होंने तीन आईफोन लॉन्च किए थे, तो अभी जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कुछ ऐसा डिजाइन हो सकता है आईफोन का आने वाले जो अभी 2019 में आएंगे, या फिर कुछ ऐसा डिजाइन भी हो सकता है। अगर अब मैं आईफोन की बात करूं, तो अभी जो आप आईफोन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो जो लेफ्ट वाला है और जो बिल्कुल बीच में है, ये है आईफोन 11 और 11 मैक्स। तो 11 मैक्स है, इसमें आपको मिलेंगे तीन कैमरा। और एकदम साइड में, जो राइट साइड में आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है आईफोन का 10R2, जिसमें अब आपको मिलेंगे दो कैमरास। अभी ये तो श्योर हो गया कि इसमें दो कैमरा आएंगे, क्योंकि प्रोटोटाइप पे वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। बाकी डिजाइन क्या होगा वो मुझे नहीं पता। 10R के लिए तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि यही डिजाइन रहेगा, बस दो कैमरा मिलेंगे। बट 11 का जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा यार डिफरेंट लग रहा है। अब अगर मैं दूसरी पिक्चर पे आपको लेके चलूं, तो ये वाली पिक्चर जो आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है डिजाइन। तो जो बीच में फोन है, ये है आपका 11 मैक्स, जो लेफ्ट साइड में है वो है आईफोन 11 और जो राइट साइड में है वो है आईफोन 10R2। कौन सा वाला आपका फेवरेट है आप मुझे बताओ। तो जेन्युइन डिजाइन है, ऐसा कुछ नहीं है किसी ने रेंडर्स बनाए हैं। जो एप्पल है वो काफी सारे प्रोटोटाइप्स पे टेस्ट करता है, काफी सारे डिजाइन अपने बनाता है आईफोन को लॉन्च करने से पहले। बट अभी सितंबर ज्यादा दूर तो है नहीं, थोड़े टाइम की ही बात है। जनवरी अभी चल रहा है, सितंबर आने में 7-8 महीने रह गए हैं, तो मुझे नहीं लगता डिजाइन ज्यादा चेंज होगा। तो जो दो कैमरास आपको दिखाए हैं, एक में कुछ इस तरीके से लगा दिया, एक में तीन कैमरा लगाए हुए हैं स्क्वायर में, तो वो डिजाइन मुझे तो पसंद नहीं है। अगर आप आईफोन 7 की भी बात करोगे, तो पहले आप देखोगे कि पहले इन्होंने साइड को लगाया हुआ था, फिर उन्होंने जैसा भी आपको आईफोन 10s मैक्स में मिलता है 10 में, इस तरीके से कर दिया। अब इस कैमरा को यहाँ से उठा के इन्होंने बीच में लगा दिया और वो तीन आंख टाइप की बना दी हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा यार एप्पल कर क्या रहा है। जो एप्पल पहले टाइम में था वो एप्पल अब तो नहीं है, ना ही इनके फोन में कोई नया फीचर आ रहा है। और पता नहीं क्या करिए यार, फोन के पैसे बढ़ते जा रहे हैं बट जो फीचर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जो एप्पल के साथ अभी हैं, मुझे यही लगता है कि इकोसिस्टम की वजह से हैं, क्योंकि हम सबके पास एप्पल का ही सब कुछ है और एप्पल सेफ बहुत ज्यादा है एंड्रॉयड से, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट अगर एप्पल ऐसे ही चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर पाएगा अपनी जो मार्केट में उनकी होल्ड है। तो ये तो हो गई आईफोन्स की बात, जिसके ऊपर लगाया था थंबनेल। अब अगर मैं बढ़ूं आपके क्वेश्चंस की तरफ, तो अभी आप लोग देख रहे थे टी शर्ट में, अभी जैकेट पहन लिया क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, बाहर जाने का भी मौका नहीं। सोचा था व्लॉग वगैरह बनाऊंगा बट व्लॉग नहीं बना सकते, इसलिए टेक वीडियोस बनानी है। टेक में कुछ नया अभी ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना Q&A ही कर लिया जाए, क्योंकि आप सबके वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर अब आपका लूप पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे भाई ने मेरे से पूछा है, आईफोन 5 में हमें iOS 12 अपडेट करना है तो किस तरीके से होगा। अनफॉर्चुनेटली आईफोन 5 के ऊपर आप नहीं कर सकते हो iOS 11 या फिर iOS 12, क्योंकि लास्ट ईयर ही एप्पल ने जो अपना सपोर्ट है आईफोन 5 के लिए वो बंद कर दिया था। आईफोन 5s और उससे ऊपर वाले जो फोन है उन्हीं में कर सकते हो iOS 11 या iOS 12, उसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब अगर मैं बढ़ूं सेकंड क्वेश्चन पे, जो आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा आता है मुझे, वो है यार आईफोन पे कॉल रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाए। मैंने पहले 3 Q&A सेशन किए हुए हैं, अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। आईफोन के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबके आंसर उनमें दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियो देख लेना, काफी सारे आंसर्स मिल जाएंगे आईफोन से रिलेटेड। जो भी उन वीडियो के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर ही रहा हूँ कॉल रिकॉर्डिंग की, तो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से आप आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। और उसके अलावा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे बंदे बोलते हैं आवाज नहीं आती, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको स्क्रीन ही रिकॉर्ड होगी, आवाज आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो जब आप किसी से बात कर रहे हो व्हाट्सएप पे या किसी और भी चीज पे। तो आईफोन के अंदर ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि आईफोन अपनी सिक्योरिटी के साथ
कॉम्प्रोमाइज करेगा और ये ऑप्शंस आपको देगा फ्यूचर में। अब अगर मैं बढ़ूं आगे, जब से चैनल स्टार्ट किया है तब से सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो है कॉल रिकॉर्डिंग वाला, और अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग करनी है किस तरीके से होगा। तो आप सबको फिर से बता रहा हूँ, आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो। अब अगर मैं बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे है, मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा है आईफोन 7 लेना चाहिए 2019 में। हाँ जी यार, ले सकते हो, आईफोन 7 इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि आप 2019 में ना लो। तो अगले 2 साल के लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एप्पल सपोर्ट नहीं बंद करेगा आईफोन 7 के लिए। आपको जो अपडेट्स हैं iOS के वो मिलते रहेंगे 13 और 14 तक, 15 का मुझे नहीं पता। तो अगर आप लेने का सोच रहे हो आईफोन 7 तो आप ले सकते हो, बहुत ही कमाल का फोन है आईफोन 7। इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, iCloud से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आपकी उसको लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी iCloud के ऊपर, वो वाली वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा कुछ iCloud के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। अब iCloud की बात कर ही रहा हूं तो ये क्वेश्चन भी iCloud से रिलेटेड है। इस भैया ने यहाँ पे पूछा है आईफोन में कितनी बार iCloud ID बना सकते हैं। तो एक आईफोन पे आप 3 iCloud ID बना सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हो। ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आता इतनी iCloud IDs का आपने करना क्या है। मेरे पास पता नहीं कितने सालों से आईफोन है और सिर्फ एक iCloud ID से ही मेरा काम चल रहा है। आई डोंट नो आप लोग क्या करते हो इतनी IDs का। तो आपका आंसर यही है कि iCloud की 3 आइडिया बना सकते हो एक आईफोन डिवाइस के ऊपर आप। अब बढ़ूं अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहीं पे और ले लेता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है इस चैनल के ऊपर और आईफोन से रिलेटेड ही है ये वाला क्वेश्चन भी। और एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा आता है iCloud से रिलेटेड वो ये कि भाई जब मैं फोटोज को खोलता हूं अपनी गैलरी में तो फोटोज पहले ब्लरी होती है और कुछ देर के बाद जाके मैं उस फोटो को क्लियर देख पाता हूं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो फोन है उसके अंदर आपने iCloud फोटोज जो है उसको ऑन किया हुआ है और जितनी भी आपकी फोटोज हैं वो सारी की सारी iCloud में पड़ी हैं। तो जब भी आप उस फोटो को ऑन करते हो तो पहले वो iCloud से डाउनलोड करता है आपका जो डिवाइस है, उसके बाद ही उसको ओपन करता है। तो आप सबके लिए यही सजेशन है, अगर आप इस सब से बचना चाहते हो तो iCloud फोटोज जो है उसको बंद कर देना, बट उससे पहले बैकअप ले लेना, वरना सारी की सारी फोटोज 30 दिन के बाद हो जाएंगी गायब iCloud से। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको फोटो स्टोर करनी है तो आप अपने कंप्यूटर में करो, iCloud में मत रखो, क्योंकि एक तो फोटोज का साइज बहुत ज्यादा होता है और अगर आपने फोटोज ऑन किया है तो फोटोज और वीडियोज दोनों iCloud के ऊपर जाएंगी और बहुत जल्दी आपका जो डेटा है, जो आपकी स्टोरेज है वो फुल हो जाएगी iCloud में। तो मेरा तो आप सबसे यही सजेशन है कि iCloud जो फोटोज हैं उनको बंद रखो और जो भी आपके यहाँ पे पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनको स्टोर करो अपने पीसी में या फिर अपने मैक में। अब अगर मैं बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, GTA 5 कैसे डाउनलोड करें आईफोन में। तो GTA 5 यार PC, Xbox या फिर PlayStation की गेम है, इसको आप आईफोन में नहीं कर सकते हो। अगर किसी तरीके से कर भी लोगे तो इतने ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए, आपका फोन यहाँ से इतना गर्म हो जाएगा ना रोटी सेक सकते हो। तो पहली चीज तो यह है कि होगा ही नहीं आईफोन के ऊपर, तो मेरा आंसर है नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछा जा रहा है मेरे चैनल के ऊपर काफी दिनों से, बैटरी हेल्थ को लेके है ये वाला जो क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे हमारे पास आईफोन है इसमें 82% है, 85% है, इसको बढ़ाया कैसे जाएगा। तो जो आपकी बैटरी की कैपेसिटी एक बार कम हो गई वो उतनी ही रहेगी, कोई भी तरीका नहीं है कि आप उसको बढ़ा पाओ। इन सारे ही टॉपिक्स पे मैंने 3 वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है बैटरी हेल्थ के बारे में, किस तरीके से आपको पता चलेगा आपको आपकी बैटरी रिप्लेस करनी चाहिए, और मैंने यहाँ पे टिप्स भी दी हुई है किस तरीके से आप जो बैटरी की हेल्थ है उसको अच्छे से अच्छा रख पाओ। वो 3 वीडियोस का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो टोटल 7 लिंक आपको मिलेंगे जिसमें 3 होंगे Q&A के, 1 होगी आपकी iCloud वाली और 3 आपको जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी बैटरी हेल्थ के ऊपर। ये सारी चीजें मैंने कवर की हुई है आईफोन के बारे में, ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक आईफोन के मैंने कवर किए हैं अपने चैनल के ऊपर। फिर चाहे वो यहाँ पे सॉन्ग्स कैसे डाउनलोड करना है, वीडियोस कैसे डाउनलोड करना है, रिंगटोन कैसे बनानी है, वो सारी चीजें आपको नीचे मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग से आईफोन टिप्स एंड फीचर्स, अगर आप उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो 25-26 वीडियोस हैं और जो भी आप आईफोन से रिलेटेड पूछना चाहते हो आपको उसमें मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं आईफोन से रिलेटेड, उसके बाद आपको व्लॉग्स वाले क्वेश्चंस पे लेके चलूंगा। तो यहाँ पे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि यार आईफोन की जो स्क्रीन है इसको मिरर करना है अपने टीवी के ऊपर, किस तरीके से होगा। तो मैं पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आईफोन की अगर स्क्रीन को आप मिरर करना चाहते हो किसी भी स्मार्ट टीवी पे तो आपको उसके लिए एप्पल टीवी बॉक्स लेना पड़ेगा। मेरे चैनल पे जो सबसे पहली वीडियो थी वो एप्पल टीवी बॉक्स की अनबॉक्सिंग ही थी, और उसके बाद मेरी जो दूसरी या तीसरी वीडियो थी वो थी कि एप्पल टीवी को सेटअप किस तरीके से करना है। वो वाली वीडियोस नहीं देखी है अगर आपने अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, सबसे पहली वीडियोस है तो बहुत ही वाहियात है वो वाली वीडियोस, बट आपको
बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मेरी तरफ मत देखना, वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। $150 से $160 के आसपास मिलता है एप्पल टीवी का जो बॉक्स है। काफी एप्स भी होंगी एप स्टोर के ऊपर, मुझे नहीं पता है क्योंकि काफी बार कॉमेंट आता है कि उस वाली एप से चलेगा, बट ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस आपको एप्पल टीवी के साथ मिलेगा कोई भी ऐप आपको नहीं दे सकता। और अभी CES 2019 में एप्पल ने काफी सारे टाइप भी किए हैं सैमसंग के साथ भी, सोनी के साथ भी और एलजी के साथ भी। तो अब इनबिल्ट फीचर मिल रहा है वहां पे, जो एप्पल टीवी है वो उन्होंने इनबिल्ट कर दिया है सैमसंग और एलजी के टीवीज के अंदर। बट वो टीवी अभी अगले साल आएंगे और काफी महंगे होंगे। इंडिया में तो यार क्या ही कहूँ, इंडिया में तो जो यहाँ पे टीवी 5,000 का मिलता है, इंडिया में पता नहीं 10-12 लाख का क्यों होता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जो वॉलपेपर टीवी है यहाँ पे $7,000 का मिल रहा है, इंडिया में 32 लाख रुपए का, पता नहीं क्या लॉजिक लगाते हैं इंडिया में। अच्छा चलो एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आईफोन के बारे में, इसके बाद पक्का 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 ब्लॉग वाले क्वेश्चंस में चलते हैं और उसके बाद करेंगे वीडियो को खत्म। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि यार मैंने यूसी ब्राउजर में गाने डाउनलोड किए हैं, मेरे पास शेयर इट में पड़े हैं, इसको म्यूजिक में डालना है। तो जो म्यूजिक वाली एप्लीकेशन है वहाँ पे यार आप किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं कर सकते। म्यूजिक वाली एप्लीकेशन जो एप्पल की है वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ही मिलते हैं, या तो आपको गाना खरीदना पड़ेगा iTunes से, Apple Music का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर iTunes जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है उससे कर सकते हो गाने ट्रांसफर। iTunes के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है आप सबके लिए, जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से गाने ट्रांसफर होंगे, वीडियो ट्रांसफर होगी। तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मिल जाएगा हर बार की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो Apple Music के अंदर सिर्फ और सिर्फ iTunes से जो गाने ट्रांसफर किए हैं, iTunes से जो खरीदे हैं, या फिर Apple Music का अगर सब्सक्रिप्शन है तो वहीं से गाने आ सकते हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप Apple Music के अंदर यूसी ब्राउजर या किसी और ब्राउजर वाले गाने सुन सको। अब बढ़ूंगा अगर मैं व्लॉग वाले क्वेश्चंस पे, तो व्लॉग वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ ज्यादा है नहीं, कॉमन ही क्वेश्चंस आते हैं हर बार। तो उन सबका जितने भी सारे कॉमेंट्स आते हैं उनका एक ही आंसर मैं दे सकता हूँ। तो जितने भी कॉमेंट्स थे कि भाई XYZ किसी भी जगह पे लेके जाओ और वहां का व्लॉग बनाओ, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, डेनवर हो गया, कोई शिकागो के लिए बोल रहे हैं, कोई सिएटल के लिए, तो सबसे पहले यार दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि ये सारी जगह बहुत दूर दूर है। अगर आप न्यूयॉर्क की बात करोगे तो 5,000 किलोमीटर है यहाँ से, तो अगर एक बार मुझे वहां जाना है तो ऑलमोस्ट मुझे एक हफ्ता चाहिए वहां पे घूमने के लिए और आपको वो सारी वीडियोस दिखाने के लिए। तो जब भी इन जगह पे मैं जाऊंगा डेफिनेटली ब्लॉग बनाऊंगा, और आप सबको कहने की जरूरत ही नहीं है, जहां भी मैं जाता हूँ नई जगह पे आप सबके लिए ब्लॉग मैं जरूर बनाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा एक टाइट स्केड्यूल है, मेरा काम है, सारा कुछ यहाँ पे है, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। YouTube सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है मेरी लाइफ का, उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जिनमें मैं घिरा रहता हूँ। तो जब भी मैं कहीं जाऊंगा तो डेफिनेटली आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगा उस जगह का। और अब इस आंसर के बाद शायद मैं कुछ लोगों को रूड लगने लग जाऊंगा, क्योंकि अगर आप किसी की बात नहीं मानते हो तो यूट्यूब पे यही होता है, लोग आपको कमेंट करना शुरू कर देते, तू कितना रूड है, तेरे में एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड की बात नहीं है, जो रियलिटी है वो तो रहेगी यार। या तो मुझे यूट्यूब स्पॉन्सर करे कि हाँ तू न्यूयॉर्क जा, तू वहाँ जा, हम तुझे पैसे देंगे, तो ठीक है मेरा घर चलेगा। तो डेफिनेटली यूट्यूब के जरिए मैं बहुत जगह पे जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा। मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, आप सबको पता ही है। अब अगर मैं दूसरे चीज़ की बात करूँ तो दूसरा बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पे कॉमेंट आता है कि विलेज लाइफ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो भाई वो वाले ब्लॉग्स मैंने बंद कर दिए हैं जो अमेरिकन लाइफ वाले हैं, मैं सिर्फ जहाँ जा रहा हूँ वही करूँगा। ये जो मैं पहले बनाता था वो भी मैं बनाना नहीं चाहता था यार, होमलेस वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें काफी सारे कमेंट्स आए, तो उसके बाद मैं उन सबको बनाता गया और वो एक अमेरिकन सीरीज बन गई। बट मैं वैसी वीडियोस नहीं बनाना चाहता था, उन सब में यार कोई भी फन नहीं है, क्योंकि मैं यहीं से हूँ और ये सब चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आपको विलेज वगैरह वाली वीडियोज देखनी है, अमेरिका से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो काफी सारे चैनल्स हैं। अमित भाई का चैनल है अमित लाइफ, आप वहां पे जा सकते हो, उन्हें विलेज की प्रॉपर वीडियो बनाई हुई, आप वहां पे जाके देख सकते हो। और उसके अलावा तीसरे टाइप का क्वेश्चन, सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा कमेंट जिसको लेके आता है, और इसके बाद तो डेफिनेटली रूड मैं, मेरे को ऐसे पूरा ना पोस्ट डाल देंगे कि ये बंदा तो रूड है, इस यूट्यूबर के पास जाना ही नहीं है, वो है कि यार स्पॉन्सर कैसे करेंगे, क्या आप मुझे बुला सकते हो, मैं अमेरिका कैसे आऊँ, मेरी चाची, मामी, मासी, मेरी बहन कोई अमेरिका में है, मुझे कैसे बुलाएगी, क्या मैं उससे शादी करके अमेरिका आ जाऊँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो भाई लोग एक ही जवाब है, मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में। तो मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल भी सही बंदा नहीं हूँ। और पता सबसे हैरानी की चीज़ क्या, अगर मैं किसी से बोलता हूँ भाई गूगल कर लो, इतना टाइम नहीं है यार, हम तो लेजी हैं, सीधा ही बोलते हैं इतना टाइम नहीं है, हम तो लेजी हैं। तो यार हम कौन सा वेले बैठे यार यहाँ पे कि तुम्हारी क्वेरीज लेते फिरेंगे कि भाई इसका वीज़ा लगवाना है या उसका वीज़ा लगवाना है। तो ऑनेस्टली चीज़ मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता। और अगर आप कॉमेंट करोगे इस बारे में तो एक्सपेक्ट मत करना कि रिप्लाई आएगा, क्योंकि नहीं आने वाला इन सब के बारे में, ना मुझे पता है। गूगल करो, इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात करो,
इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाओ यार, यूएसए की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाओ, सारा कुछ वहां पे डिटेल में दिया हुआ था, वहां जाके पढ़ सकते हो। बट वही है कि करना नहीं है। और एक उसके बाद एक और कमेंट आता है, भाई अमेरिका आना है तो हम बोलेंगे आ जाओ, भाई पैसे नहीं है, भाई फ्री में तो कोई भी नहीं बुलाता, या तो समुंदर में ट्यूब डाल के ऐसे से करके आ जाओ, यही हो सकता है। इस वाले आंसर के बाद तो डेफिनेटली मैं रूट कहलाने वाला हूँ, एंड इट्स ओके, कोई चक्कर नहीं है। और ये थी मेरी Q&A वीडियो जिसमें मैंने आपके क्वेश्चंस के दिए आंसर। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, तू रूड है, तेरे में एटीट्यूड है। तो थैंक यू आप सबका पहले ही, जो लोग रूड और मुझे एटीट्यूड वाला कह रहे हैं, इट्स ओके। यूट्यूब पे सब मुझे पसंद नहीं कर सकते हैं, लोगों को तो पिज्ज़ा भी पसंद नहीं आता है, मैं तो फिर इंसान हूँ यार, क्या कर सकता हूँ उस बारे में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। आपको कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक वाला बटन है उसको दबाओ। और उसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया हैप्पी औजला को तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। और जाने से पहले सैटरडे या संडे को सुबह के टाइम में 9 से लेकर 12 बजे के बीच में मैं किसी भी टाइम पे आऊंगा लाइव। एक ही दिन आऊंगा, सैटरडे या संडे मुझे अपना स्केड्यूल देखना पड़ेगा, जिस दिन मैं फ्री होऊंगा तो एक दिन मैं आऊंगा लाइव। ये मैं आप सबको बताना चाहता था, इससे पहले मैंने चैनल अपडेट वाली वीडियो में भी बताया था। तो सैटरडे या संडे को 9 से 12 के बीच में मैं आऊंगा लाइव किसी भी टाइम। तो आप सब प्लीज यूट्यूब पे बने रहना ताकि लाइव में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सको। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूं खत्म। अब आपसे मिलूंगा मंडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे इंडिया टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।